जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक क्राइम फिल्म नांदी के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है और अजय देवगन इस फिल्म का एक रीमेक भी बनाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें राजगोपाल नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट दिखाए जाते हैं, जो कि एक फाइल लेकर चीफ मिनिस्टर के पास आए थे। वो उन्हें बताते हैं कि इस फाइल में उन सभी लोगों के नाम हैं जिन लोगों ने कोई भी जुर्म नहीं किया है और वो निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। तो उनका ये कहना है कि दोबारा से इंक्वायरी कराई जाए ताकि वो लोग रिहा हो सकें। ये सुनकर चीफ मिनिस्टर उससे कहते हैं कि वो चिंता ना करें, वो इस केस के बारे में ज़रूर छानबीन करवाएंगे। उसके बाद हमें सूर्या नाम का एक कैदी दिखाया जाता है, जो 5 साल से जेल के अंदर था और उसने कोई जुर्म भी नहीं किया था। सूर्या को एक नई जेल में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पर कपड़े उतरवा के उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। तभी उस जेल में प्रकाश नाम के एक यूट्यूबर को लाया जाता है, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाया करता था, जिसकी वजह से बार बार उसे जेल आना पड़ता था। प्रकाश जब वहाँ पे आता है तो उसे सूर्या की ही जेल में रखा जाता है, जहाँ वो सूर्या से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सूर्या उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। रात को सूर्या जब खाना खा रहा होता है तो प्रकाश उसके पास आता है, जहाँ पे वो 2 निवाले निकाल के रख देता है अपने माता पिता के लिए और उसे बताता है कि उसके माता पिता अभी इस दुनिया में नहीं हैं, जिसकी वजह से वो उनके लिए निवाला रखता है और उसके बाद ही खाता है। ये सुनकर सूर्या को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रात को जब वो सोने की कोशिश करता है तो उसे नींद ही नहीं आ रही होती और वो कुछ पास्ट की बातें याद करता है, जिसे सोचकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी प्रकाश उठता है और उसे पानी देता है और उसे कहता है कि आखिर उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो उसे बता सकता है। ये सुनकर वो उसे गले लगा लेता है और उसे अपनी कहानी बताने लगता है। वो उसे कहता है कि वो एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था और उसका बेस्ट फ्रेंड संतोष भी उसके साथ वहीं पे काम करता था। जब उसकी पहली सैलरी मिली थी तो उसने अपनी माँ को सारे पैसे दिए थे और उसके पिता के लिए वो उनकी मनपसंद कई सारी चीज़ें भी लाया था। उसके माता पिता दोनों इस बात से बहुत खुश थे कि उनका बेटा अब पैर पे खड़ा हो गया है और वो भी अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन मंदिर में उसे मीनाक्षी नाम की एक लड़की दिखती है, जिसे देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है और उसी लड़की से उसकी शादी भी तय होती है, जिसे जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। मीनाक्षी और वो आपस में मिलने लगते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी बहुत देर तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन सोशल एक्टिविस्ट राजगोपाल की हत्या कर दी जाती है और CI किशोर को एक केस दिया जाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट करके कातिलों तक पहुँच सके। किशोर मीडिया के सामने आता है और बताता है कि वो 10 दिन के अंदर उस कातिल को ज़रूर पकड़ लेगा और ये कह के वो अपनी छानबीन में लग जाता है। जब राजगोपाल का फ्यूनरल हो रहा होता है तो वहाँ पे XCM भी आता है, जिसका नाम नागेंद्र था, और वो मीडिया के सामने अपना शोक जाया करता है, जहाँ वो कहता है कि राजगोपाल बहुत ही अच्छा इंसान था और जिस किसी ने भी उसे मारा है वो जल्द से जल्द उसे ज़रूर पकड़ के रहेंगे। CI किशोर जब अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगता है तो उसे कातिल का पता नहीं चल पाता, जिसकी वजह से उसे ऊपर से प्रेशर पड़ रहा होता है। अगले दिन सूर्या अपने पड़ोसी से 10 लाख का उधार लेता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट में एक फ्लैट देने वाला था। उस फ्लैट को बुक कर लेता है और डीलर को एडवांस भी दे देता है। रात को जब वो मीनाक्षी के साथ अपने घर वापस जा रहा होता है तो अचानक CI की टीम वहाँ पर आती है और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। जब वो थाने में पहुँचता है तो वो किशोर से पूछता है कि आखिर उसका गुनाह क्या है, तो वो उसे कहता है कि उसने राजगोपाल का मर्डर किया है। ये सुनकर सूर्या हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। तो किशोर उससे CCTV फुटेज दिखाता है और उसे कहता है कि उस दिन 3 बार वो राजगोपाल के इर्द गिर्द नजर आया था, जिससे ये साबित होता है कि वही कातिल है। सूर्या उसे कहता है कि ये महज एक इत्तफाक है और कुछ भी नहीं, लेकिन किशोर उसकी बात नहीं मानता और उसे टॉर्चर करने लगता है, लेकिन सूर्या उसका टॉर्चर सहता रहता है और उसका यही कहना था कि उसने वो मर्डर नहीं किया। किशोर मीडिया में जाके ये बता देता है कि वही कातिल है और वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा, लेकिन उसके माता पिता मीडिया के सामने आके कहते हैं कि उसे फंसाया जा रहा है, उनका बेटा बहुत ही शरीफ है और ऐसा काम वो कर ही नहीं सकता। जब उसकी कोर्ट में पेशी होती है तो कोई भी वकील उसका केस लेने को तैयार ही नहीं था। किशोर अदालत में अपने सबूत देता है और जज को बताता है कि उसने 10 लाख का हाल ही में फ्लैट भी लिया है, जिससे ये साबित होता है कि इस मर्डर के लिए उसे 10 लाख रुपए मिले थे। सूर्या उससे कहता है कि ये सब झूठ है, लेकिन जज उसे बोलने का मौका ही नहीं देती। सूर्या को हर दिन टॉर्चर किया जाता है ताकि वो उगल सके कि उसने ही वो मर्डर किया है, लेकिन सूर्या हार नहीं मानता और वो किशोर से कहता है कि वो कभी ये कबूल करेगा ही नहीं। इधर उसके माता पिता खुद पे पेट्रोल छिड़क लेते हैं और वो सभी गली वालों से कहते हैं कि अगर उनका बेटा वापस नहीं आया तो वो जल के मर जाएंगे। अगले दिन किशोर सूर्या को एक जंगल में लेकर जाता है और वहाँ से वो चाकू और एक शर्ट बरामद करता है और अदालत में उसे पेश करते हुए कहता है कि ये शर्ट और चाकू उसी का है, जिससे साबित होता है कि उसने ही वो मर्डर किया है। वो जज भी बिकाऊ होती है, जिसकी वजह से वो इस केस को मजबूत बनाने लगती है और वो सूर्या को जेल की सजा सुनाती है। अगले दिन सूर्या के माता पिता खुद को आग लगा के जला लेते हैं और उनके क्रियाक्रम में सूर्या को वहाँ पर लाया जाता है, जिनकी लाश देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो उनका क्रियाक्रम करता है और तभी किशोर उसके पास आता है और उसे बताता है कि दरअसल उसने ही उसके माता पिता को आग लगा के मार डाला,
क्योंकि वो पहले से ही मरना चाहते थे और उसने उनका काम आसान कर दिया। ये सुन के सूर्या उसे पीटने लगता है और उस पर चार्ज लग जाता है कि उसने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पे हाथ उठाया है, जिसकी वजह से उसकी सज़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कई बार जेल से भागने की कोशिश भी करता है लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाता, जिसकी वजह से वो 5 साल से जेल में ही था। और जिस आदमी से उसने पैसे लिए थे उसने भी उसके खिलाफ गवाही दी थी। एक दिन मीनाक्षी का पिता मीनाक्षी को लेकर जेल में आता है, जहाँ सूर्या से कहता है कि उसकी लड़की के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और उन्हें जाने जेल से बाहर कब आएगा तो वो अपनी बेटी की शादी उससे करवा रहा है। ये सुन के सूर्या खुश हो जाता है और उससे कहता है कि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। कुछ दिनों बाद सूर्या से मिलने के लिए एक एडवोकेट आती है जिसका नाम होता है आध्या, और उसे लग रहा था कि सूर्या निर्दोष है और वो उसके केस को लड़ना चाहती थी। वो सूर्या से मिलकर उससे कहती है कि अगर किशोर ने उसके साथ गलत किया है तो वो उसे सज़ा दिला सकती है। तो सूर्या उससे कहता है कि आखिर ऐसे कैसे मुमकिन है। ये सुन के सूर्या उससे कहता है कि वो उसे जान से मारना चाहता है, ना कि उस पर कोई केस करना चाहता है। ये सुन के आध्या उससे कहती है कि अगर उसे रिवेंज ही लेना है तो वो हाथापाई पे ना आए बल्कि वो उसे लीगली रिवेंज ले, जिससे कि उसे इंसाफ मिलेगा। ये सुन के उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि बचपन में खेलते टाइम उसका एक अंगूठा टूट गया था, जिसकी वजह से उसने अपने दोस्त को पीटा था। लेकिन उसके पिता ने उससे कहा था कि गुस्से में आके वो किसी को चोट बिल्कुल ना पहुंचाए। ये याद करके सूर्या रेडी हो जाता है उससे लीगली लड़ने के लिए। कुछ दिन बाद आधे जब वापस जेल में आती है तो वो सूर्या को लड़ता हुआ पाती है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जब प्रकाश जेल से रिहा होता है तो हमें पता चलता है कि दरअसल आध्या उसकी बहन है, जिसने शपथ ली है कि वो उसे इंसाफ दिला कर रहेगी। वो प्रकाश से कहती है कि क्या उसने कैमरा रेडी रखा था, तो वो उससे कहता है कि उसने वो सब रिकॉर्ड कर लिया है। उसे कहती है कि अब वो इस रिकॉर्डिंग को न्यूज़ चैनल्स को भेज दे, और न्यूज़ चैनल को जब वो रिकॉर्डिंग भेजी जाती है तो हम देख पाते हैं कि दरअसल वो रिकॉर्डिंग जेल के अंदर की है, जहाँ सूर्या जब रिहा होने वाला था तो उसे ज़बरदस्ती लोग मार रहे थे ताकि वो जेल में और रुक सके। लोगों के सामने जब ये सच आता है तो लोग हैरान हो जाते हैं और लोगों को लगने लगता है कि शायद सूर्या निर्दोष है, इसीलिए उसे जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। अब ये केस कोर्ट में चला जाता है, जहाँ पे आध्या पहले एक डॉक्टर को बुलाती है और उसे पूछती है कि सच में सूर्या अंगूठा नहीं मोड़ सकता, तो वो उससे कहता है कि इसका अंगूठा टूटा हुआ है और वो एक्सरे रिपोर्ट्स भी दिखाती है। और जज से कहती है कि जिस आदमी का अंगूठा टूटा हुआ हो वो चाकू का ग्रिप नहीं बना सकता, जिसकी वजह से वो किसी को मार ही नहीं सकता। उसके बाद वो बरामद हुई शर्ट दिखाती है जो कि एक्सेल साइज की थी, बल्कि सूर्या को लार्ज साइज आता था। वो ऐसे कुछ सबूत पेश करती है जिससे सूर्या की निर्दोषी साबित हो सके, और कोर्ट ये सारे सबूत देखकर उसे निर्दोष साबित कर देता है, जिसकी वजह से उसे रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद सूर्या किशोर के पास जाता है उससे बदला लेने के लिए, लेकिन उसे अपने पिता की बात फिर से याद आती है, इसीलिए वो किशोर को कुछ भी नहीं कहता। वो जब अपने घर जाता है तो वहाँ पे घर को जला हुआ देखकर वो बहुत रोता है, और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है जिसका बच्चा हो चुका था, और वो उसकी फैमिली साथ उसे खुश देखकर संतुष्ट हो जाता है। उसके बाद वो आध्या के पास जाता है और उससे कहता है कि उन्हें कुछ सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे जिससे वो साबित कर सके कि किशोर ने ही उसे फंसाया है। वो कहते हैं कि सबसे पहले उन्हें उस गवाह को पकड़ना पड़ेगा जिसने झूठी गवाही दी थी कि उसने वो मर्डर होते हुए देखा है। अब वो उस बंदे को पकड़ लेते हैं जो कि बहुत ही बड़ा पियक्कड़ था, और वो उसे लेकर एक जगह पर आते हैं जहाँ पे वो उसे दारू पिलाते हैं, और उसके बाद वो बंदा सच बोल देता है। वो कहता है कि दरअसल किशोर ने 2 बंदों को हायर किया था ताकि वो राजगोपाल को मार सके, और उन दोनों बंदों ने राजगोपाल को मार दिया था और वहाँ से भाग गए थे। जब वो उनके पास गया था तो उनके साथ उसने दारू पी ली थी, और उसने उन्हें बताया था कि किशोर अब उन्हें भी जान से मारने वाला है, इसीलिए वो दोनों बंदे वहाँ से भाग गए और किशोर अब कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने उसे इस केस में फंसा दिया और 5 साल के लिए उसे जेल कर दी। ये सुन के सूर्या उससे कहता है कि अब यही बात वो जज के सामने भी कहेगा, तो वो बंदा राजी हो जाता है सच बताने के लिए। अगले दिन कोर्ट में जब उसकी पेशी होती है तो वो वहाँ पर पहुँचता ही नहीं है, जिसकी वजह से आध्या कोर्ट से 4 दिन की और मोहलत मांगती है, और कोर्ट उसे 4 दिन की मोहलत दे देता है। बाहर किशोर सूर्या से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि उसे क्या लगा कि वो आ जाएगा, जो खेल वो उसके साथ खेलना चाहता है दरअसल वो उसका खिलाड़ी रह चुका है, और वो कितनी भी कोशिश कर ले वो उस जैसे पावरफुल इंसान को कभी नहीं हरा सकता। उसके बाद किशोर को एक्स चीफ मिनिस्टर का कॉल आता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो दोनों ही इसमें शामिल थे। वो उससे पूछता है कि क्या वो बंदा मर गया, तो किशोर उसे बताता है कि उसने उस बंदे को जान से मार डाला है ताकि वो गवाही देने आ ही ना पाए। अब सूर्या और आध्या ये ढूंढने लगते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि उन्हें मर्डर करना पड़ा, क्योंकि राजगोपाल के मर्डर के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। अब वो 5 साल की फाइल्स को देखने लगते हैं और उसके अंदर उन्हें सच पता चल जाता है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था। दरअसल नागेंद्र की जो पार्टी थी उसने एक लैंड गरीबों को दी थी, लेकिन वो एक स्कैम था जहाँ पर वो गरीबों को लालच दे रहा था, और उसने उन गरीबों का हक छीन के अपने ही दोस्तों को वो लैंड प्रोवाइड करा दिए थे, वो भी बहुत ही कम दामों में। और फाइल्स में उसने लिख दिया था कि ये सभी लोग गरीब हैं, हालांकि वो सभी लोग गरीब थे ही नहीं। उस टाइम पे ये स्कैम सामने आ रहा था, जिसकी वजह से वो डरने लगा था और उसने फैसला किया था कि वो राजगोपाल को मार डालेंगे ताकि लोगों का सारा ध्यान उसके मर्डर पर डाइवर्ट हो जाए।
इसीलिए उसने किशोर के साथ मिलकर प्लान किया उसे मारने का। और जब राजगोपाल मर गया तो सारी मीडिया उस पर ही फोकस करने लगी। अब ये सारी चीज़ें आद्या कोर्ट में पेश करती है, जहाँ पे वो सारे सबूत दे देती है। वो किशोर और नगेंद्र के बीच हुई कॉल रिकॉर्डिंग्स भी पेश कर देती है, जिसमें साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो दोनों प्लान कर रहे थे राजगोपाल को मारने का, ताकि उनका जो स्कैम है वो किसी के सामने ना आ सके। अब ये चीज़ जब नागेंद्र को पता चलती है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो किशोर से कहता है कि उन्हें उस वकील को डराना होगा ताकि वो इस केस को वापस ले ले। रात को वो आध्या को अपने अड्डे पे बुलाते हैं और उसे केस को वापस लेने के लिए कहते हैं, लेकिन आध्या ऐसा करने को राज़ी नहीं होती। तभी वो उसके सामने जख्मी सूर्या को लाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उसने इस केस को वापस नहीं लिया तो वो इसे जान से मार डालेंगे। लेकिन सूर्या उससे कहता है कि अगर उसे मरना है तो उसे मर जाने दो, लेकिन इस केस के बाद कोई भी निर्दोष जेल में नहीं जाएगा। अगली सुबह जब वो कोर्ट में पहुंचती है तो संतोष और प्रकाश वहां पे आके उससे सूर्या के बारे में पूछने लगते हैं, तो वो उन्हें बताती है कि सूर्या उन लोगों के कब्जे में है। जब कोर्ट का दरवाज़ा खुलता है तो सूर्या कटघरे में ही जख्मी हालत में पड़ा होता है और ये देखकर सब वहां पर आते हैं और सूर्या को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पे जज भी मौजूद थे तो सूर्या उनसे कहता है कि आज इंसाफ की जीत होनी चाहिए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दरअसल सूर्या ने अपने आप को छुड़ा लिया था और वहाँ से वो भाग निकला था, जिसके बाद वो सीधा कोर्ट में आकर लेट गया था। जब कोर्ट खुलता है तो आध्या उन दोनों के खिलाफ सबूत पेश करती है और सूर्या भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि खुद एक सबूत था कि उन लोगों ने उसे जानबूझ के टॉर्चर किया। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जज ये फैसला सुनाते हैं कि नागेंद्र और किशोर को जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। ये सुनके सूर्या और उसके दोस्त खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि ये दिखाती है कि दरअसल गरीब को बहुत सारे केसेस में फंसा दिया जाता है जबकि उसने क्राइम किया भी नहीं होता, और जो कोई अमीर होता है जिनके पास पावर होती है वो पैसों के दम पे कैसे केस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये फिल्म इतनी अच्छी है कि अजय देवगन इस फिल्म का रीमेक भी बनाने वाले हैं। और आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।